आज हम आपको लिए चलते हैं मंडी के बस स्टैंड की ओर। सभी जानते हैं कि मंडी के नए बस स्टैंड की सौगात एक लंबे अंतराल के बाद मिली है। बस स्टैंड पर एक लंबे समय तक राजनीति भी हावी रही, लेकिन आखिरकार बस स्टैंड मंडी को मिल ही गया। लेकिन आज जो बस स्टैंड मंडी को मिला है, उस पर ध्यान दिए जाने की बेहद अधिक जरूरत है, क्योंकि मंडी का ये बस स्टैंड अभी तक अपनी मूलभूत सुविधाओं के साथ परिपूर्ण नहीं हो पाया है। करोड़ों रुपए की लागत से बना मंडी का बस स्टैंड आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। एक ओर जहां राजनीतिक विरोध के चलते आज भी इसका निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, वहीं यहां फैल रही गंदगी ने यहां बैठे लोगों की नाक में दम करके रखा है। आपको बता दें, यहां के सार्वजनिक शौचालय की हालत भी बेहद दयनीय है। शौचालय की निकासी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण ये गंदगी मक्खी मच्छरों को जन्म दे रही है, जिसके चलते न सिर्फ यहाँ का वातावरण खराब हो रहा है, बल्कि ये मंजर बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। ये सारा जितना भी गंदा पानी है, सारा बदबू आ रही है। आप देख लो, खुद देख लो, बदबू आ रही है। सारा दिन खड़े होना होता है यहाँ पे। बड़ी प्रॉब्लम है सर, बड़ी इससे यानी कि जैसे ना बड़ी गंदी स्मेल चलती है। अब यहाँ के अब सड़क का हाल देख लो आप, सड़क में जा रहा है टॉयलेट। हमारा तो बैठना भी मुश्किल है, पूरा दिन बदबू लगी हुई है। रात को काम करना होता है तो मच्छरी मच्छर होते हैं यहाँ। इस नाली का कुछ बंदोबस्त, कोई भी सफाई का कर्मचारी यहाँ पर कोई भी नहीं आता, सफाई करने वाला कोई भी मतलब करता ही नहीं है। सारे जो है टॉयलेट के लिए यहाँ आते हैं, इधर उधर के जो भी है मतलब यहाँ गाड़ियों के पीछे ही। यहाँ से ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज होने के कारण जो है सारी गंदगी फैली हुई है। ये ब्लॉकेज खोल दी जाए और अच्छा बना दिया जाए इस नाली को तो अच्छा है। आप देख सकते हैं पॉलिथीन के लिफाफे यहाँ पे गिरे हुए। बोलते हैं कि छोटी काशी है मंडी, लेकिन छोटी काशी का देखो क्या हाल है, कितनी गंदी काशी हमारी है। इन लोगों ने कितनी गंदी बना दी है काशी को। खुले में बहती गंदगी का खामियाजा यहाँ रोजाना बैठने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बस स्टैंड के बाहर स्थित टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने बस स्टैंड में फैले इस अव्यवस्था को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि न सिर्फ उन्हें पेश आ रही समस्या का हल हो, बल्कि यहाँ पहुँच रहे बाहरी पर्यटकों को भी मंडी का सही प्रभाव पड़े। कि शहर साफ सुथरा हो और शहर में जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि नहीं हम किसी शहर में गए हैं। छोटी काशी के नाम से हमारी मंडी को जाना जाता है, तो छोटी काशी का एक उसका प्रचार होना चाहिए कि एक अच्छी है, सफाई है, तो यही है। मैं चाहते हैं कि एक साफ सफाई होनी चाहिए शहर। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन के सामने लाई जा रही इस समस्या का तुरंत समाधान निकाला जाएगा, ताकि यहाँ पहुँच रहा पर्यटक अपने मन में मंडी की सही छवि साथ ले जा सके। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी।